ना ना मोदी ने भरोसा करके मार दिया मोदी ने तो देश को सब कुछ बेच दिया मोदी ने देश का, क्या नहीं बेचा हवाई जहाज रेल की पटड़ी ने क्या नहीं बेच दिया जी ने तो मारे तो कितना पैसा था जी सारा अडानी को दे दिया 26,00,000 करोड़ रुपया। हरियाणा से दिल्ली का पानी आता है सब रोड आते सभी को, जैसे हमने किसान आंदोलन बंद किया था ना ऐसे ही ना पानी वहाँ से बंद कर देंगे, हरियाणा से रेलवे लाइन को बंद कर देंगे, देश की 3 लाइफ लाइन है जो उधर उसको जोड़ती है ना तीनों हरियाणा से आती है, बिजली दिल्ली में नहीं आने देंगे, ये कान खोल के सुन ले। पुलिस तो हम जैसे लोगों को पकड़ सकती है, उनके पास नहीं जाएगी पुलिस से, पुलिस की औकात नहीं कहते बाबा ने ये कर दिया वो कर दिया, बाबा ने उसका करा दिया, बाबा ने किसानों पर एक अच्छा ट्रेनिंग के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई थी उसका तो घर नहीं गिरवा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। लगातार बेटियों के समर्थन में प्रदर्शन जारी है लेकिन अभी भी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं और लगातार किसान भी समर्थन दे रहे हैं बेटियों को, जो किसान यूनियन है वो भी जंतर मंतर पे मौजूद हैं और खाप पंचायत भी इन बेटियों को समर्थन दे रही है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है बेटियों को, कब तक न्याय मिलेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा सोनीपत से। क्या लग रहा है बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? न्याय तो सरकार का ढिलमुल रवैया है, ये सरकार इलेक्शन ऊपर तो इलेक्शन दिखा है, इन्हें इलेक्शन इलेक्शन तो बात सही, इन्हें न्याय अन्याय कोई मतलब नहीं है। और ये जो ये बेटियों के न्याय की बात है, ये सभी बेटियों के न्याय की बात है, एक ये पहलवान पहलवानों की नहीं बात, ये सारे भारतवर्ष की बेटियों की बात है। और इसके लिए किसान यूनियन या सारे जितने भी सामाजिक सभी एकजुट हैं और सारे समर्थन देंगे, समर्थन के इस लड़ाई लड़ेंगे, अगुवाई इनकी होगी लड़ाई में, सारे किसान भी मजदूर भी सब मिलकर लड़ेंगे और न्याय दिलागट। पूरा भारत एकजुट हो चुका है लेकिन वहीं ब्रजभूषण कह रहे हैं कि ये बेटियां राजनीति कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? तो सामने आओ ना, ये आरोप जो लगा रही है उनको सिद्ध कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ ना, आओ सामने आओ, छुप क्यों रहा है ब्रजभूषण, छुप क्यों रहा है, सामने आओ। ब्रजभूषण कह रहे हैं अभी तक मेरे पास पुलिस आई ही नहीं। पुलिस ये पब्लिक नहीं नजर आ रही क्या उसको? वो नेता है उसको पब्लिक नजर नहीं आ रही क्या? उसको सुनाई नहीं रहा ये मीडिया, उसको ये देख नहीं रहा क्या? वो अगर वो बंदा साफ है तो सामने आ जाता, जिस बंदे में कमी नहीं होती ना वो साफ सामने आ गए कहता हमारे अंदर कमी नहीं है, बताओ क्या गलतियां हैं, उसमें कमी आई इसलिए तो छुप रहे हैं, इसलिए सरकार उसको संरक्षण दे रही है, मोदी जी उसको संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस तो नहीं की है ना जी, पुलिस कैसे आएगी उनको पकड़ने के लिए? पुलिस तो हम जैसे लोगों को पकड़ सकती है, उनके पास नहीं जाएगी पुलिस से, पुलिस की औकात नहीं कहते बाबा ने ये कर दिया वो कर दिया, बाबा ने उसका करा दिया, बाबा ने किसानों पर एक अच्छा ट्रेनिंग के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई थी उसका तो घर नहीं गिरवा। कुलदीप सेंगर है कानपुर से विधायक है, उसने नाबालिग बच्ची से रेप किया था, उसकी सजा भी हो चुकी थी, उसका घर तो नहीं करवाया। ये कहते हम ये करते हैं वो करते हैं, कुछ भी नहीं करते, दिल्ली को चारों ओर से घेरेंगे, पहले हमने फसल बचाई है बेटियों को बचाएंगे, दिल्ली को पुलिस का दोहरा रवैया है, कैसे देखते हैं आप? दोहरा रवैया नहीं है जी, सिर्फ बीजेपी की तरफ रवैया है, हमारी बच्चियों की तरफ तो कोई रवैया है नहीं पुलिस का। अगर आते तो आज तक उसको पूछताछ क्यों नहीं की? 28 तारीख को FIR हुई थी पोस्को एक्ट के तहत, क्यों नू पूछो अब दिल्ली पुलिस से आपने उनको क्यों नहीं आज तक पूछताछ की? 164 के बयान भी क्यों नहीं लिए गए ये पूछो आप। तो क्या लग रहा है कि बेटियों को क्या न्याय मिल पाएगा? हाँ बेटियों को न्याय मिल पाएगा जी, हम शुरू कर देंगे पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे, हरियाणा से दिल्ली का पानी आता है सब रोड आते सभी को, जैसे हमने किसान आंदोलन बंद किया था ना ऐसे ही ना पानी वहाँ से बंद कर देंगे, हरियाणा से रेलवे लाइन को बंद कर देंगे, देश की 3 लाइफ लाइन है जो उधर उसको जोड़ती है ना तीनों हरियाणा से आती है, बिजली दिल्ली में नहीं आने देंगे, ये कान खोल के सुन ले। मोदी कह रहे हैं कि बहुत बड़े बाहुबली हैं इसीलिए कार्यवाही नहीं हो रही है ब्रजभूषण के ऊपर। बाहुबली जी, वो मीडिया तो उसको बाहुबली बना रही है, हमारे सामने ले आओ बाहुबली बना देखो उसका, हमारे सामने ले आओ जी, मैदान में ले आओ खुले, हम वो कहते ना मेरे लोग आ जाएंगे जनमंत्र पे, वो एक दिन कॉल करो मेरे लोग आ रहे हैं और फिर हम कॉल करेंगे, फिर देख लियो क्या होगा। जंतर मंतर पंचायतों से वो भी मांग कर रहे हैं ब्रजभूषण की हमारे समर्थन में उतरिए, उसकी तो कोई पंचायत नहीं हुई जी आती, उसके समर्थन में कोई आया नहीं है, जिस दिन भी आओ बलात्कारी हैं जी, ये सारी सरकार हैं जी इसके, इतने आप नो मानो कम से कम भी ये भी 34 मंत्री हैं ना जिन पे इतने
धारावाहिक मर्डर तक के हैं जी। इसने खुद नहीं बोल दिया, बरसपुर सुनने जी मैंने एक मर्डर भी किया है आज तक, ये बताओ आपने गिरफ्तार क्यों नहीं करा, जो खुले हम बोल रहे हैं मंच पे आज तक गिरफ्तार तो नहीं हुआ। टीवी मीडिया पे जाके ब्रजभूषण कहते हैं कि मैं 1000 लड़कियों का शोषण कैसे करूंगा, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ क्या? हाँ, क्या पता होता इतना अमीर आदमी और शिलाजीत के पता नहीं क्या खा लेगा, तो विदेश से भी कुछ मंगा लेगा, उसका क्या कर सकते हैं जी? गंदी बात और क्या होगी, इससे भयंकर बात क्या होगी, जो इंसान अपने मुंह का मैं क्या शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, ये कितनी बेशरम बात है। हमारे समाज में इस बात कोई ज्यादा डिनाई करते हम, उसकी भावना देख रहा हूँ, भावना देखो ना क्या कर, 1000 लड़कियों का बोल दिया मान ले उसने कह दिया मैं क्या सिला, ये बात देखो ना कितनी भयंकर है, कितनी बेशरम बात है। अरे शाह जी कुल मिलाकर बात यह है, ये बात तीर कमान उसके हाथ से निकल चुका है, ये बच्चियाँ डटी रही हो, समाज सारा भारत इनके साथ है और न्याय होकर। ब्रजभूषण ने कहा अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, सुनामी आने दो ना, सुनामी किसके हमारे प्रति तो आने रही नहीं, इन बच्चियों के प्रति आने तो रही, सुनामी आओगी तो इनकी राजनीति में आओगी, राजनीति गंदे लोग हैं उनके नाम ले सका ही और क्या करेगा, और आने चाहिए हम तक कहें यू भी बताओ जो भी नहीं, जो गंदा प्रेमी का नाम आना चाहिए कोई भी है जो इसमें संलिप्त है उसी का नाम दो भाई, उनको भी न्याय होना चाहिए, जो गलत आदमी गलत को दंड होना चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे जंतर मंतर पे? जब तक हमारे बैठे हुए इंसाफ नहीं मिलेगा ना जी, यहाँ से जाए नहीं गए, अभी तो पूरे पक्के मोर्चे लगाएंगे आने वाले टाइम में, तो पूरे पक्के मोर्चे दिल्ली के चारों ओर जैसे किसान आंदोलन में लगाए थे ना, ऐसे ही मोर्चे लगाएंगे। हमारी खापोगिर किसानों की मीटिंग चली हुई है हरियाणा यूपी पंजाब राजस्थान में। तो क्या मोदी जी के ऊपर भरोसा नहीं है? ना ना, मोदी ने भरोसा अगर कम मार दिया, मोदी ने तो देश को सब कुछ बेच दिया, मोदी ने इस देश का क्या नहीं बेचा, हवाई जहाज रेल की पटड़ी ने क्या नहीं बेच दिया जी, ने तो मारे तो कितना पैसा था जी, सारा अडानी को दे दिया 26,00,000 करोड़ रुपया, बता दो जी, एक जी सी की कांग्रेस ने मांग करी थी उनकी सदस्यता रद्द करा दी, बताओ ये थोड़ी होता है, जांच क्या, जांच कराने में क्या प्रॉब्लम थी, उसको जांच कराता, विपक्ष मांग कर रहा तो जांच क्यों नहीं करा रहे वो, तो ईडी सीबीआई भेजते तो है। हाँ ईडी सीबीआई विपक्ष के पास ये काम तो है, ये तो नहीं घर की हुए हैं जी, कंपनी आई ना कहीं भी भेज सकते हैं, मेरे पास भी भेज सकते हैं, इसके पास भी भेज सकते हैं, भाई साहब के पास भी भेज सकते हैं, ये कंपनी क्या भारत की संस्था बिक चुकी है? हाँ पूरी तरह बिक चुकी, कोई कानून नहीं भारत में, कोई कानून नाम की चीज नहीं जी, पूरे भारत में कानून बिल्कुल खत्म हो चुका है जी, गुंडागार लुच्चागार तड़ी पारा रह गया जी, जाकर रखा है। हाँ बोल बेटी, क्या कह रहे हैं आप, तड़ी पार किसको कह रहे हैं? तड़ी पार जो घोषित होगा आज होम मिनिस्टर बना रखा है इन्हें, जिसे डरता है बलात्कार या कार्रवाई ना करता, आज के दिन मोदी को इन बलात्कारियों ने घेर के समर्थन जब देंगे ना तो मारे कार्रवाई नहीं होगी। जो आदमी ये कानून बन चुका है अग भाई, जिस लड़की ने किसी पर आरोप लगा दिया उसको फौरन गिरफ्तार करो, अरे हमने तो शकियो भी से अग लोगों को धोखा देने के लिए कलाट प्लेस थाने की जो FIR दिखाई जा से वो भी ना लिख रखी हो, वो भी फर्जी किसी दूसरे कंप्यूटर से काट के और पब्लिक में दे दी हो, अगर FIR लिख दी ना, तो जिसने FIR लिखी है वो कार्रवाई नहीं करेगा तो वो अधिकारी भी सस्पेंड हो जाएगा। ब्रजभूषण कह रहे हैं सिर्फ एक ही अखाड़े के लोग यहाँ के बैठे हैं, एक अखाड़े के ब्रजभूषण केस है, गुंडा कदे कुछ कहा करे, गुंडा कदे अपने अपराध को बताते हैं, ब्रजभूषण है क्या, इसके बाप के पास कितनी जायदाद थी, आज 56 स्कूलों का मालिक कैसे बन गया, ये हमारी जेब काट के इसने बना रखा है और कहीं से नहीं ले, इसका बाप दे गया था या इसको नोट छापने की मशीन दे रखी है, जनता पसंद कर रही है तभी जनता नहीं पसंद कर रही, EVM पे कब्जा कर रखा है, EVM पे कब्जा है, और यो धर बता दू बंगलुरु का भी बहुमत नहीं आएगा, EVM जो है उसको जिताओगी और गालमेल करके फिर यो सरकार बनाओगा। कहाँ से आई है दादी, कहाँ से आई है? आई आज अपना बिजली बदले पंजाब से। हाँ पंजाब। तो आप लोग साफ तौर पर तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये चारों तरफ से किसान बैठे हुए हैं, इन बेटियों के समर्थन में अब किसान उतर आए हैं, बेटियों का महिला पहलवानों का आरोप है कि उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, अभी तक जांच कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया है, ना ही FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।